नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट आ गई है, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से उनको अप्रेंटिस को जो वेटेज दिया जाता है, तो उसके साथ साथ उनको मेडिकल परीक्षा में भी छूट मिलने वाली है। इसके लिए एक पेपर की कटिंग है, उसमें बहुत सारा वायरल हो रहा है। उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो हाई पावर की कमेटी गठित की गई थी, उसी में ये फैसला लिया गया है, ऐसा ही उस पेपर कटिंग में दावा किया जा रहा है। और बहुत सारे कैंडिडेट ने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में कमेंट किया था और टेलीग्राम पर बहुत सारे कमेंट किया, सर ये क्या सही है? तो इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। अगर ये सही निकलता है तो आपको इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आगे आपको किस सीधे आपको डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाया जाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूँ। आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहीं पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन आपको ये अगर यहाँ पर मिलता है तो ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है, जो रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी CCN रेलवे कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट अस होता है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर RRB की वेबसाइट पर आ जाना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेलवे की RRBs होते हैं, जो 21 RRB हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल सभी के RRB, जो 21 RRB यहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ पर मैंने सभी RRB की वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखा है कि ये अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिजल्ट के रिगार्डिंग जो ग्रुप डी भर्ती है इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया, और किसी पर अभी ये नोटिस नहीं आया है किसी RRB की जो पेपर कटिंग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ये वाला पेपर कटिंग यहाँ पर ही किया गया। अगर ये नोटिस सही है तो आपको 1 से 2 दिन में यहाँ पर आपको इसके रिकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो अप्रेंटिस को वेटेज के साथ साथ मेडिकल परीक्षा में छूट मिलेगी, यानी जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए ये नोटिस हाई पावर कमेटी जो गठित की गई उसी में ये फैसला लिया गया था कि अब उनको जो वेटेज के साथ साथ उनको मेडिकल परीक्षा जो होती है उनकी उसमें भी छूट दिया जाएगी। यानी आपको जो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 थी उसमें आपको बहुत सारे जो छूट दिए गए, तो उसके साथ साथ आपको मेडिकल परीक्षा में भी छूट दिया जाएगा, इसका यहाँ पर ये निर्णय ले लिया गया है। और इसी के हिसाब से सभी का नोटिस आ गया, अभी मेडिकल के लिए नोटिस नहीं आया, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पेपर की कटिंग है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, यहाँ पर जस्ट प्रयागराज से ये नोटिफिकेशन जो पेपर कटिंग है वहाँ से ये पब्लिश किया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर मेंशन किया गया है रेलवे ग्रुप डी भर्ती, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में अप्रेंटिस को 1/3 अंक के वेटेज के साथ मेडिकल परीक्षा में मिलेगी छूट, यहाँ पर मेंशन किया गया। यह बदलाव हाई पावर लेवल समिति के फैसले में हुआ है, हाई पावर जो लेवल की समिति गठित हुई थी उसी में यह फैसला लिया गया है। और रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रतिष्ठित अप्रेंटिस और NCVT द्वारा जिन छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र यानी NAC मिला है वह इसका लाभ पाएंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये RA जमाली वायरमैन RRB इलाहाबाद की तरफ से ये जो है उनके द्वारा ये पेपर में कटिंग पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी मेंशन किया गया है जस प्रयागराज से, यहाँ पर नोटिस है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा में पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी CCA कैंडिडेट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये के जरिए भरे जाने वाले पद के लिए कोई शारीरिक दक्षता नहीं होगी, यहाँ पर बताया कोई शारीरिक दक्षता नहीं होगी, यानी जो उनकी PET होती है वो नहीं होगी, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया गया था, PET नहीं होगी, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि राष्ट्रीय व्यावसायिक परीक्षा परिषद NCVT से प्राप्त अंकों के लिए अंकों का वेटेज भी मिलेगा, यहाँ पर बताया। ये वाला देखेंगे, जो आपको NCVT का होता है सर्टिफिकेट, NCVT का जो मिलता है उसका भी वेटेज 1/3 आपको मिलने वाला है। जैसे आपका अगर 75% है तो आपको उसका 1/3 करेंगे तो 25 नंबर आपको बोनस में भी दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा, आपके CVT एग्जाम को जोड़ा जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। यानी आपकी जो CVT एग्जाम हुआ है, CVT
प्लस आपकी जो एनसीबीटी का 1/3 आपकी वेटेज है इसके बारे में बताया गया है, आपको वेटेज दिया जाएगा। यानी आपको जो 30-40 वाला क्राइटेरिया है, 30 और 40 वाला क्राइटेरिया रखा गया था यू आर और जनरल कैंडिडेट के लिए, EWS कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर OBC नॉन क्लियर और SC ST के लिए जो यहाँ पर वेटेज बताया गया था, यहाँ पर नॉन क्लियर लेयर वाले के लिए, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया था मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का, तो उसके लिए आपका यहाँ पर वेटेज जोड़ के ही आपको 30-40 लाना है। वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। यानी आपके जो CVT होंगे, CVT प्लस आपके जो NCVT के 1/3 मार्क्स होंगे, उसका आपको जोड़ने के बाद आपका यहाँ पर 30 या 40 होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया दिया गया, 30 या 40 वाला क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, कंप्यूटर आधारित परीक्षा CVT के अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी, यहाँ पर मेंशन किया है। जो आपकी CVT परीक्षा होती है उसी के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। यहाँ पर इसी सूची को तैयार करने के दौरान CVT परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक तिहाई वेटेज मिलेगा, यहाँ पर बताया गया है। आपकी NCVT परीक्षा का एक तिहाई वेटेज मिलेगा, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी आपकी जो CVT और प्लस आपकी NCVT की 1/3 वाला आपकी वेटेज मिलेगा, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस प्रतीक्षित अप्रेंटिस को इसका फ़ायदा मिले, इसके लिए बदलाव इस बदलाव का फायदा 2019 विज्ञापित RRB ग्रुप डी परीक्षा के अभ्यर्थी को मिल सके, इसके लिए भारतीय बोर्ड की ओर से नियमावली में संशोधन किया गया है। आप लोग इसके लिए देखे होंगे, बहुत सारे जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती हुई 2019 का विज्ञापन निकाला गया था RRB की तरफ से, उनमें बहुत सारा संशोधन कर दिया गया। आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि उसमें बहुत सारे ये आपकी जो NCVT नहीं होगी और NCVT का वेटेज का नोटिफिकेशन दिया गया था, वो सब चीज़ें आपको मैंने दिखा दिया था। तो इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है जिसके तहत NCVT परीक्षा में अंकों के लिए वेटेज देने और अप्रेंटिस को शारीरिक दक्षता यानी PT में छूट देने की व्यवस्था हुई है, यानी जिन अभ्यर्थियों को NCVT परीक्षा में अच्छे अंक हैं उन्हें मेरिट सूची में अच्छा स्थान पाने के लिए विकल्प मिले। RRB यानी जिनको जो NCVT का में 90% या अच्छा अंक आया है उनको मेरिट सूची में अच्छा स्थान मिल सके ग्रुप डी की परीक्षा में, इसलिए उनके ये नियम संशोधन किए गए हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं RRB ग्रुप डी भर्ती 2019 में 1,03,769 पद के लिए जो ग्रुप डी भर्ती निकाली गई थी उसके बारे में बताया गया, उनमें 20,734 पद अप्रेंटिस से भरे जाएंगे। ये चीज़ें उनके लिए वहाँ पर भी जब भर्ती निकाली गई थी तभी वहाँ पर 1,03,769 पद में 20,734 पद अप्रेंटिस के लिए रिजर्व किया गया था 20% कोटा के तहत जो पहले बताया गया था, और वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। और इस भर्ती के लिए 1.5 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया गया है, यही सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया है। यानी अभी तक जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती 2019 में होने वाली उसका रिजल्ट 24 तारीख को आने वाला है, जो चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर दिया गया था 24/12/2022 को रिजल्ट उससे पहले आने वाला है, उसमें आपको ये वाला नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है जिसमें आपकी जो CVT एग्जाम होगा उसमें आपको 20% कोटा मिलेगा और 1/3 NCVT का मिलने वाला है। वो सब चीज़ों का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी आप लोगों का केवल ये जो मेडिकल परीक्षा में छूट मिलने वाली है, अगर ये वाला अगर आता है नोटिस तो आपको एक RRB के वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले इस तरह के नोटिफिकेशन जब आपको ये आपकी PAT हटाया गया था, जो PAT मिलने वाला था PAT को रिमूव किया गया, तभी आपको एक पेपर में नोटिस आया था। उसके बाद फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसने आपके जो 2019 की भर्ती थी उसमें संशोधन कर लिया था, कई अमेंडमेंट आए थे उनमें परिवर्तन किया गया था PAT और आपको जो NCVT का
आपका 1/3 वेटेज देने वाला था, उसके लिए भी वहाँ पर भी नोटिस आया था। अभी आप फाइनली आप लोगों के लिए एक और अच्छा मौका आ गया है, जो अप्रेंटिस को वेटेज के साथ साथ मेडिकल परीक्षा, यानी जो आपकी मेडिकल परीक्षा होने वाली है उसमें भी छूट देखने को मिल जाएगा। ये अभी पेपर में कटिंग आया, अगर ये अगर न्यूज़ सही पब्लिश है तो, अगर सही है तो आपको 1 से 2 दिन के पहले आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको डायरेक्ट आपको सीधे आपको DB के लिए आना है। यानी अब आपको कोई मेडिकल परीक्षा नहीं देनी है, आपको सीधे आपकी जैसे पैनल लिस्ट जारी किया जाता है, पैनल लिस्ट जारी होने के बाद आपको सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको RRC जोन में बुला लिया जाएगा, अगर आप चयनित होते हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस ये वाला पेपर की कटिंग में पब्लिश कर दिया गया। आप इलाहाबाद की जो न्यूज है वहाँ पर ये आर्टिकल में पब्लिश किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं उनके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसका कम्युनिटी बॉक्स में मैंने भी लिंक दिया है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और कम्युनिटी बॉक्स में यह पोस्ट डाल दिया है, आप वहाँ से यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स से यह पेपर की कटिंग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया है, आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़कर भी ये न्यूज देख सकते हैं। और आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, और 1 से 2 दिन या इससे जो आपकी PET के बाद आपको अगर ये न्यूज जो पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से अगर ये नोटिस जो है, तो इसके रिगार्डिंग आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेपर में कटिंग आया था, तो आपका जो PET रिमूव कर दिया गया था, आपको PET में छूट दिया गया था, तो पहले पेपर में आया था, इसके बाद आपको वहाँ पर भी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल गया। इसके बाद एक NCVT का वेटेज देखने को बोला गया था, उसके बाद NCVT 1/3 का आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल गया था, इसी के बाद आप 30-40 वाला क्राइटेरिया आया था वो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल गया था, इसके बाद आपको फाइनली आपको मेडिकल परीक्षा के छूट के बारे में बताया गया है। तो आपको अब मेडिकल परीक्षा में आपको छूट मिलने वाली है, तो जैसे आपको मेडिकल परीक्षा में की छूट मिलेगी, जैसे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRB की वेबसाइट पे आती है या RRC की, तो हमें आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस पर ITI अप्रेंटिस से संबंधित बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद, कीप एंड टच।